आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा भैया पाल को मिला सिल्वर बटन, जहां पर आज कानपुर में पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल एवं पूर्व सांसद राजा राम पाल द्वारा आज कानपुर में किया गया सम्मानित। बधाई देना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल है उसने इनको, इनके जो आपकी जन अदालत न्यूज चैनल है उसमें इन्होंने जो अपने 2 करोड़ व्यूअर्स पूरे करके 2 करोड़ लोग इस चैनल को देख रहे हैं और इनके 1.5 लाख सब्सक्राइब है, ऐसे पाल समाज की ऐसी विधा को भी मैं इनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। इनका उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपकी जन अदालत न्यूज का प्रधान संपादक राजा भैया पाल, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बरसों की मेहनत को पहला फल मिला है, एक मेरा पहला सपना पूरा हुआ है जिसकी मुझे तलाश थी। आज समस्त आपकी जन अदालत न्यूज के महान दर्शकों के सहयोग से उनके सानिध्य में मुझे आज आपकी जन अदालत न्यूज का सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, जिसे सिल्वर बटन कहते हैं, यूट्यूब की तरफ से प्राप्त हुआ है। आज मेरे 1,40,000 सब्सक्राइबर और 2,20,00,000 हमारे व्यूज हो चुके हैं। और आज के दिन मैं अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण लोगों को आज उनको इसका श्रेय देना चाहूँगा, समाज के मार्गदर्शक और मेरे सामाजिक करियर के मुख्य प्रेरणा स्रोत अखिल भारतीय पाल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल जी को, जिनसे मुझे समाज में एक प्रेरणा मिली, मुझे पहचान मिली समूचे हिंदुस्तान के अंदर, और जहां पर हमारे पाल समाज के समस्त व्यूवर्स ने हमारा साथ दिया, हमारे राजनीतिक मार्गदर्शक नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश शासन माननीय लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, जिनका हमारे चैनल पर हमारे लिए हमेशा प्रेम बना रहा और आज हमारे उनकी सानिध्य में लगातार हमारा चैनल बढ़ता रहा, और हमारे त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार जिनका मैंने हमेशा कवरेज दिखाया है, ये महान हस्तियों के सहयोग से और आपकी जन अदालत न्यूज़ के उन तमाम दर्शकों के सहयोग से मुझे ये मेडल प्राप्त हुआ है। मैं जीवन पर्यंत आपकी जन अदालत न्यूज़ के समस्त दर्शकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगला मेरा गोल्ड बटन आप मुझे ज़रूर मिलेगा। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबका प्यार इसने मेरे साथ बना रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें अपना मार्गदर्शन और सुझाव देती रहें, धन्यवाद करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें, यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।